प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को अनुमति है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी, यानी कि मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस नहीं चलेगी ऑरेंज जोन के अंदर। आप टैक्सी कर सकते हैं, कितनी छूट सरकार ने दी है। इसके अलावा पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स क्लब बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, धार्मिक कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक है, यानी आप नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, आरती के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अरदास के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ना ही आप प्रेयर करने के लिए जा सकते हैं चर्च के अंदर। ग्रीन जोन के कौन कौन से इलाके, अब ये जान लेना। सबसे ज्यादा छूट दी गई है यूपी के बाराबंकी, खीरी, हाथरस, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर शहर नहीं, कानपुर देहात, ये है यूपी के। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, राजस्थान के बूंदी, गंगानगर, सिरोही, प्रतापगढ़, और इसके अलावा गढ़चिरौली, वर्धा, छत्तीसगढ़ के भिंड, दतिया, गुना, दामोह, रीवा, रायगढ़, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के उडुपी, चित्रदुर्ग, रुकोपल, इसके अलावा बिलासपुर है, किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू भी है, और मोरबी, अमरेली और पोरबंदर भी हैं गुजरात के इलाके जो कि ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा रियायतें हैं क्योंकि यहां पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, या कुछ जिले ऐसे जहां कभी कोई मामला आया ही नहीं है, वो सब ग्रीन जोन में डाले गए हैं। तो क्या फर्क है रेड, ग्रीन, ऑरेंज का? रेड जोन जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहां रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, यहां लॉकडाउन पहले की तरह है, सख्ती के साथ है, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज को छूट है लेकिन शर्तों के साथ, मोबाइल पर आपके आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। ऑरेंज जोन, लॉकडाउन में थोड़ी छूट, इतनी छूट है कि अब आप टैक्सी बुला सकते हैं लेकिन टैक्सी में एक ही व्यक्ति जा सकता है, आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो दो लोग बैठ सकते हैं। पूरे देश में ये सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा, मॉल्स बंद, प्लेन्स बंद, ट्रेनें बंद, होटल बंद, हेयर सैलून बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, जिम बंद, रैली प्रदर्शन नहीं हो सकते, और थूकने पर पाबंदी। सबसे बड़ी बात, थूकने पर पाबंदी है, और पाबंदी का मतलब होता है जुर्माना अगर आप पाबंदी तोड़ते हैं। और पूरे देश के लिए एक नियम, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना मना। आप किसी ऐसे काम के लिए जो आप सुबह 7 से शाम 7 के बीच में कर सकते हैं, शाम 7 के बाद मत निकलिए। ये सारे काम दिन के 12 घंटों में निपटा लें, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक आप बाहर निकलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस काम के लिए बाहर निकले, और आपका काम अगर बहुत जरूरी नहीं है तो फिर आपके ऊपर सख्ती भी की जा सकती है। और लॉकडाउन में शराब बिक्री को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। ये कई राज्यों की मांग थी कि शराब की दुकानें खुलें, सरकार ने केवल ग्रीन जोन में शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी है, केवल ग्रीन जोन के अंदर। देश के 319 जिले, यहां पर सिंगल स्टोर की जो शराब की दुकानें हैं वो खुलेंगी, और ग्राहकों को 6 फीट का फासला रखना पड़ेगा। 6 फीट के फासले के साथ ही केवल ग्राहक जा सकते हैं। तो शराब की बिक्री पर सरकार ने फैसला कर लिया है, देश के 300 से ज्यादा जिलों के अंदर शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। 6 फीट की दूरी एक से दूसरे ग्राहक के बीच में रखना जरूरी होगी। इसका फायदा लेकिन जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने बहुत सी जानकारियां दर्शकों को दी जो ऑर्डर आया था, अब आपसे हम सरल शब्दों में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इन तीनों इलाकों के मोटे मोटे फर्क ये समझना चाहते हैं। सबसे पहले ग्रीन जोन की बात कर लें तो जहां पर या तो कोरोना पॉजिटिव कोई भी केस ना आया हो अब तक, या फिर पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नया नहीं आया हो, वो ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो जाहिर तौर पे अगर कोई ऐसे 300 से जिले ऐसे हैं जहां या तो पिछले 21 दिनों से कोई भी केस नहीं आया, या फिर वहां पे कोई केस आया ही नहीं कभी अब तक, तो वो सारे जिले या वो सारे क्षेत्र ग्रीन जोन के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात, रेड जोन को लेकर इसमें कोई दिन का स्पेसिफिक नहीं रखा गया, बल्कि ये बताया गया है कि वहां पे संक्रमण की संख्या, टेस्टिंग किस प्रकार से की जा रही है, सर्विलेंस का क्या मानना है, इन सारी चीजों के आधार पर उसे रेड जोन में रखा जाएगा, और उस रेड जोन में जो तमाम प्रोविजन है वो लागू होंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा रेड जोन इलाके, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, उसमें वो कुछ नया ऐड कर सके, वो कर सकता है, लेकिन वो इनमें से घटा नहीं सकता। मतलब ये कि केंद्र सरकार के तरफ से जो भी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए
गए हैं वो रेड जोन बने रहेंगे और हर सप्ताह इनका मूल्यांकन होगा। अगर स्थानीय प्रशासन या राज्य की सरकार ये चाहे तो वो इनमें ऐड कर सकती है, इनको घटा नहीं सकती, किसी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से वो ऑरेंज या ग्रीन में नहीं डाल सकती। तो ग्रीन और रेड को हमने समझ लिया, अब जो भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन और रेड के अंतर्गत नहीं आते हैं उन सबको ऑरेंज की श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये कि जो 21 दिन से जहां कोई भी केस ना हो या अब तक कोई केस ना आया हो या फिर वो रेड जोन में अंतर्गत आता हो, इन दोनों कैटेगरी में अगर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है वैसे सारे इलाके ऑरेंज जोन के अंतर्गत आते हैं। जी सौरभ, ठीक है, एक जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए देवेंद्र आपसे। ये शराब की दुकानों को लेकर के कुछ असमंजस है, एक तरफ सूचना ये आ रही है कि केवल ऑरेंज जोन के अंदर सशर्त शराब की दुकानें खुलेंगी, कुछ हलकों से ऐसी भी खबरें हैं कि शराब की दुकानों को नियमों के साथ रेड जोन ग्रीन जोन में भी खोलने की बात है। सौरभ, आपके सवाल में जो भ्रम है, ऐसा लगता है कि अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में भी वो भ्रम है क्योंकि स्पेसिफिक वो बताया नहीं गया। और आज जब ऑर्डर को लेकर गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ऑर्डर जारी होने से पहले ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उस ब्रीफिंग में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या लीकर की दुकानें खुली रहेंगी इस ऑर्डर के हिसाब से, इस रिलीज के हिसाब से, नए गाइडलाइन के हिसाब से, उनका ये कहना था कि हाँ खुली तो रहेंगी लेकिन दिल्ली वालों को क्यों खुशी हो रही है, उन्होंने चुटकी लेते हुए इस बात को कहा। फिर उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, दिल्ली में भले ही ना खुले, मतलब ये कि दिल्ली क्योंकि रेड जोन है तो रेड जोन में तो नहीं खुल रहा है। उनका ये कहना था कि गाजियाबाद में अगर वो रहते हैं तो गाजियाबाद में खुल सकता है। तो इस हल्के फुल्के अंदाज पे जो समझे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ग्रीन जोन में तो खुलना ही खुलना है, ऑरेंज जोन में भी खुल सकता है। हालांकि स्पेसिफिक जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से अभी आना बाकी है, रेड जोन में नहीं खुलेगा ये तय है। अच्छा, ये दूसरी बात ये देवेंद्र, इस गाइडलाइंस में ये मेंशन है कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे कहा गया कि प्राइवेट ऑफिसेज खुल सकते हैं, 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, या एक ऑफिस स्पेस के अंदर 5% से ज्यादा लोग काम नहीं होंगे करेंगे, और ये रेड जोन के लिए भी है। तो ये बताइए कि रेड जोन को अगर हम मान लें जहां सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, किस किस्म की ऑफिसेज या किस किस्म की फैक्ट्रियां काम करेंगी या नहीं करेंगी? रेड जोन में भी एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रेड जोन के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसी चीजें जो कि न सिर्फ जरूरी श्रेणी में आती हैं बल्कि इसके अलावा भी जिसमें माइग्रेंट लेबर की या उनका जो वर्कफोर्स है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट की आवश्यकता ना हो। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में कोई काम हो रहा हो तो वहां पर अगर बाहर से मूवमेंट की आवश्यकता ना हो उस काम को आप करने देंगे, वैसी फैक्ट्रीज जिसमें बाहर से बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत ना पड़े उसे आप करने देंगे। कि तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक उसमें बताए गए हैं इस ऑर्डर में कि ये चीजें यहां पे चल सकती हैं, कंटेनमेंट जोन में, रेड जोन के अंतर्गत जो है वहां पे तो कुछ भी नहीं चलेगा। जी सर, ठीक है देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, आपसे बात करते हैं। एक बार जरा हम यूपी की ओर फोकस करें, यूपी के रेड जोन इलाके कौन से हैं? देश का सबसे बड़ा सूबा है आगरा और लखनऊ, कानपुर सिटी, सहारनपुर, ये सब रेड जोन में है, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा सब रेड जोन के अंदर आता है। इसके अलावा मेरठ, रायबरेली, वाराणसी ये भी रेड जोन के अंदर है, बिजनौर अमरोहा अलीगढ़, इसके अलावा रामपुर, मथुरा, बरेली। तो ये जो जितने डिस्ट्रिक्ट हमने आपको ये बताए ये सारे के सारे रेड जोन के अंदर आते हैं, जिसके बारे में देवेंद्र अभी बता रहे थे कि यहां पर सख्ती भी रहने वाली है। और कंटेनमेंट जोन के बाहर, यानी मान लें कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर कोई कोरोना का केस है तो वो कंटेनमेंट जोन हो गया, उसका हॉटस्पॉट कह लीजिए, उसके इर्द गिर्द कुछ एक्टिविटी चलेगी लेकिन शर्तों के साथ चलेगी। ये सारे इलाके यूपी के वो हैं जहां पर एक रेड जोन में जिनको डाला गया। फिर से जल्दी से इसकी लिस्ट आपको बता देता हूं, यूपी के रेड जोन के इलाके आगरा, लखनऊ, कानपुर सिटी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, रामपुर, मथुरा, बरेली, उत्तर प्रदेश के ये हैं रेड जोन के इलाके। रेड जोन की सारी शर्तें हमने आपको बताई हैं, आपके ऊपर सख्ती ज्यादा है, इस बार बाहर निकलने पर पाबंदी ज्यादा है आपके ऊपर, आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है, गाड़ी में दो लोग जा सकते हैं, बाइक पर एक आदमी निकल सकता है, और पब्लिक प्लेसेस पर पूरी तरीके से पाबंदी पूरे देश में है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पूरी तरीके से पाबंदी है, इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है, हवाई जहाज के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, पूरी तरीके से बसों के द्वारा इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है। पब्लिक प्लेसेस जिसमें जिम्स, मॉल्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, सब चीजें बंद हैं, सब जगह बंद रहेंगी, आप इक भीड़ नहीं लगा सकते हैं, मॉल नहीं खुलेगा 17 मई तक पूरे देश में, कहीं ग्रीन जोन में भी मॉल नहीं खुलेगा, और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना सरकार ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं घर के कदम ना रखें, और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर ना आए, इस बात पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है। लेकिन आप सोचिए कि इतना
बंटवारा देश का जोन के हिसाब से जगह जगह अलग अलग पाबंदियां, अलग अलग छूट। लॉकडाउन 3.0 का फैसला प्रधानमंत्री ने किया क्यों, यह आपको तब पता चलेगा जब प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में क्या क्या किया और अगले 24 घंटे के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप डिटेल हासिल करें। पता चला कि 48 घंटे में प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी मीटिंग्स की। लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर सभी मंत्रालयों को एग्जिट प्लान का रूट मैप समझाया। कोरोना के खिलाफ 14 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या होगा, इसकी डिटेल रिपोर्ट। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझाने के लिए आपको जानना होगा प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में क्या किया और अगले 24 घंटे में क्या करेंगे, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल हम बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जिट प्लान को लॉक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है। ये तब है जब लड़ाई जीरो से शुरू की और आज अब कोरोना कंट्रोल में है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। देश में सबसे बड़ी चिंता जान बचाने में ऑक्सीजन की थी, चैलेंज बड़ा था, लेकिन रास्ता मेक इन इंडिया से प्रधानमंत्री ने निकाला। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, 6400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग, 4,38,000 मेडिकल सिलेंडर मौजूद, 1,300 नए खरीदे, 5,00,000 इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल में बदलना मुमकिन। इस जंग में कोरोना योद्धाओं का रक्षा कवच है पीपी, लेकिन ये विदेश से खरीदनी पड़ी थी, लिहाजा प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि भारत में पीपीई बनेगी ताकि कोरोना योद्धाओं की जान खतरे में ना पड़े और देश किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। मेक इन इंडिया पीपीई के आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना युद्ध में 2 करोड़ पीपीई की डिमांड है, 2,22,00,000 पीपीई का ऑर्डर दिया गया, 1,42,00,000 पीपीई देश में बन रहे हैं, देश में रोज बन रहे हैं 1,87,000 पीपीई। 22 मार्च को देश में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरर थे, आज चीन के बाद भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। 130 करोड़ के देश में कोरोना की लड़ाई में जान बचाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन कमांडर मोदी ने कोरोना को हराने के लिए इसका रास्ता भी खोजा। देश में 75,000 नए वेंटिलेटर की जरूरत, देश में सिर्फ 19,000 वेंटिलेटर मौजूद हैं, 60,884 नए वेंटिलेटर का ऑर्डर, 59,884 वेंटिलेटर देश में बन रहे हैं, 15,000 नए वेंटिलेटर की डिलीवरी हुई। सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं, N95 मास्क बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चुनौती से भी देश निपटने में पूरी तरह कामयाब है। 2,72,00,000 मास्क की डिमांड, DRDO ने मास्क का मटेरियल तैयार किया, 1,40,00,000 मास्क देश में तैयार, रोज 2,30,000 मास्क भारत में बन रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना से जान बचने की 99% गारंटी है, क्योंकि देश तैयार है। आज प्रधानमंत्री की मीटिंग में एक और बड़ा निर्णय हुआ, निर्णय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के उनके घर पहुंचाने की। मोदी सरकार ने लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दी, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से राज्यों में फंसे मजदूरों को घर भेजेगी सरकार, मजदूरों के साथ स्टूडेंट और टूरिस्टों को भी घर भेजा जाएगा। रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन के नियम क्या होंगे। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई कैसे चल रही है। ये लड़ाई सिर्फ कोरोना के मोर्चे पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी है। यही वजह है कि इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री का एग्जिट प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को आगे का रोड मैप समझा दिया है। इतने बड़े देश में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को लागू करना और लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति बनाना, आप समझिए कि युद्ध स्तर पर इस वक्त देश में कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसलिए आपके लिए एक एक नियम इस लॉकडाउन का समझना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा हमारी बातें। 17 मई तक पूरे देश में जिम्स बंद हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जमा होना बंद है, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, मेट्रो भी नहीं चल रही है। किसी अफवाह में बिलीव यकीन मत कीजिएगा कि ट्रेन चलने लग गई है, मेट्रो या बस चलने लग गई है, नहीं चल रही है। पूरे देश में कहीं भी रैली प्रदर्शन नहीं हो सकते, आप सड़क पर जाकर मजमा नहीं लगा सकते किसी भी वजह से, कोई मॉल नहीं खुलेगा देश में 17 मई तक, और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप अपने घर के बाहर किसी बेहद अनिवार्य काम की बजाय, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो निकलिए वरना मत निकलिए, वो भी प्रतिबंधित है। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से उम्र हो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, इसके भी सख्त निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे नियम आपके और हमारे लिए हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है बहुत। मॉल्स पूरी तरह बंद है,
पूरे देश में ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगी। रिहायशी इलाकों में पड़ने वाली सिंगल दुकानें खुल सकती हैं। जो प्राइवेट दफ्तर खोलने की इजाजत मिली है उनको भी 33% स्टाफ के साथ इजाजत है। 33% अपनी स्टाफ के साथ वो काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा लोग किसी भी प्रतिष्ठान में निजी एस्टैब्लिशमेंट में नहीं हो सकते। एक दफ्तर के अंदर भी, एक ऑफिस के अंदर भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये भी नियम सरकार ने जारी किया है। और जो बड़े नियम, देशव्यापी नियम है, पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी। एक दफ्तर के अंदर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। शादी ब्याह के समारोहों में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। आपके घर में कोई गमी हो जाए उस मौके पर भी। और सड़क पर थूकना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। आप पर जुर्माना लगेगा अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में थूकते हुए जो है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। ऑरेंज जोन में बहुत सारे जिले आते हैं। देश के 284 जिले इस वक्त ऑरेंज जोन में हैं, तो वहां के लिए नियम देख लीजिए। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स क्लब बंद है, स्विमिंग पूल बंद है। धार्मिक कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों का मतलब आरती के लिए इकट्ठा हो जाना, नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाना, गुरुद्वारों में इकट्ठा हो जाना अरदास के लिए, चर्च पे प्रेयर मीटिंग करने लगना या और कोई कार्यक्रम हो, उस सब पर प्रतिबंध है। रेडियो टैक्सी चलने की इजाजत दे दी गई है। ये ऑरेंज जोन के लिए एक रियायत है कि रेडियो टैक्सी चलेगी और ऐप बेस्ड जो टैक्सी है, ओला उबर जैसी, वो भी चलेंगी। कौन कौन से इलाके आते हैं ग्रीन जोन में, कुछ बड़े शहर देख लीजिए। बाराबंकी, खीरी, हाथरस, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, कानपुर देहात, पूरा कानपुर नहीं, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमौली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बूंदी, गंगानगर, सिरोही, प्रतापगढ़, गढ़चिरौली, वर्धा, भिंड, दतिया, गुना, दामोह, रीवा, रायगढ़, शिवपुरी, उडुपी, चित्रदुर्ग, कोप्पल, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, मोरबी, अमरेली, और इसके अलावा एक शहर हमसे छूट गया, पोरबंदर। तो ये जो है ये ग्रीन, ये माफ कीजिएगा, ये ग्रीन जोन है जहां पर छूट मिल रही है। तो ये ग्रीन जोन के वो सारे इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा छूट जो है दी गई है। और ये देखिए महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका आज ही आदेश जारी हुआ है, जो हमारे प्रवासी मजदूर फंस गए हैं और राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।